गुरुवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 321 केंद्रों पर 26,019 लोगों को कोविड का वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 8,952 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 17,167 लोग शामिल रहे। जिसके संबंध में CMO आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार टीका लगा रही है और लगातार निगरानी समितियां की टीम लोगों के बीच टीका लगवाने के लिए जागरूकता फैला रही हैं। उन्होंने बताया कि टीके के साथ साथ लोग मास्क सैनिटाइजेशन का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें तथा 2 गज की दूरी बनाएं। उन्होंने बताया कि 3 जनवरी से 15 साल से लेकर 18 साल के बच्चों को कोविड का टीका लगाया जाएगा, यानी 2007 के पहले जन्मे लोगों को कोविड टीका लगाया जाएगा और 10 जनवरी से फ्रंट लाइन वर्कर और हेल्थ केयर वर्कर के साथ साथ 60 साल के ऊपर के लोगों को अगर कोई गंभीर बीमारी है तो उनको बूस्टर डोज का टीका लगाया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए CMO आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, मोबाइल नंबर बोलिए, मोबाइल नंबर बोलिए 6387। अरे दो लगा ये तीन दिन वैक्सीन नहीं सबसे सर किसका है सुनील की साथ वाले ये सब क्या है 19 आज लगभग 360 जगहों पर टीकाकरण हो रहा है और अभी तक जो हमें पास सूचना मिली है कि 7,000 पहली खुराक लग चुकी है और करीब 12,000 दूसरी खुराक लग चुकी है। हमारी टीमें लगातार सक्रिय हैं, लोगों को टीका लगा रही हैं और लगातार निगरानी समितियां और जो एक्टिवेशन टीम है वो मोबिलाइज कर रही लोगों को, लोग टीका लगा रहे हैं। लेकिन टीके के साथ साथ मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से लोगों से आग्रह करना चाहेंगे कि लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने को सैनिटाइज करें और जैसे ही मौका मिले टीकाकरण अवश्य कराएं। 3 तारीख से हम 15 साल से लेकर के 18 साल के बच्चों को टीका लगाएंगे, जिनकी जो 2007 के पहले का जन्म हुआ है उनको टीका लगाया जाएगा और इसी के साथ साथ 10 तारीख से हम फ्रंटलाइन वर्कर और हेल्थ केयर वर्कर के साथ साथ 60 साल के ऊपर जिनको की कोई गंभीर बीमारी है उनका टीकाकरण कराया जाएगा। सब लोग जो है आकर के अपना टीका अवश्य लगवाएं, कोविड के नियमों का पालन करिए, खुद स्वस्थ रहिए, गोरखपुर को स्वस्थ रखिए।